भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपीश्वर त्रिपाठी ने बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस प्रकार 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए अनेकों प्रकार के अभियान चलाए थे, उसी प्रकार होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत सीटें भाजपा जीत सके, इसके लिए किसान मोर्चा महानगर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। उन्होंने बताया कि 21 से 30 नवंबर के बीच किसान मोर्चा गोरखपुर महानगर नगर निगम क्षेत्र में एक विशाल किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करेगा। किसान मोर्चा ने ग्रामीण क्षेत्र में 11 सदस्यीय ग्राम किसान समिति तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति का गठन कर चुकी है। इस किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में शहर में रहने वाले किसानों, वार्डों के संयोजकों, नगर निगम की सीमा में आने वाले गांवों के किसानों तथा फल सब्जी अनाज तथा कृषि आधारित तो व्यापार करने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा। किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। डबल इंजन की भाजपा सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आई है तब से किसानों और नगरों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री रामानंद नन्हे, किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे, महामंत्री समरेंद्र कुमार सिंह, राज नारायण सिंह, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्र, जिला प्रभारी यादवेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी चंदन आर्या, सुरेश तिवारी, डीएन सिंह, महेश दुबे, शशिभूषण पांडे, भूपेंद्र सिंह, रामबचन निषाद, संतोष सिंह सहित किसान मोर्चा महानगर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने कहा, आ जाइए इसमें फोटो कम से कम व्यक्ति को सही कुर्सी पर बैठाना, सही व्यवस्था करा देना, मेन काम है महामंत्री का। कुर्सी पर बैठना महामंत्री का काम थोड़ी। जनता पार्टी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अग्रणी मोर्चा है और वो इस नाते है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मोर्चे हैं सभी मोर्चे अभी मंडल तक की इकाई में हैं। किसान मोर्चा पहला मोर्चा है जिसकी मंडल से नीचे की इकाइयां हमारी बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 286 मंडलों के 10,908 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ग्राम किसान समितियों का गठन किया गया है। शत प्रतिशत गठन के साथ हमारे सभी ग्राम सभाओं में एक संयोजक और 10 सदस्य के साथ 11 किसानों की ग्राम किसान समितियां हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के ये जो नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में भी किसान मोर्चा अपनी सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका के साथ कार्य करेगा। इसके लिए हम सभी लोगों की योजना बनी हुई है और उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र के एक नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायत नगर निकायों में हमारे सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम किसान मोर्चे ने तय किया है। हमारी जो ग्राम पंचायतें, ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं और जो हमारी ग्राम पंचायतें नगर निकायों में शामिल कर ली गई हैं उसमें और हमारे सभी जो संगठन का स्वरूप है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मिला करके अपनी ग्राम समितियों के माध्यम से हम वहाँ पर ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में सभी नगर पालिका परिषद में और नगर पंचायतों में ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होगा और उसमें हमारे किसान मोर्चा के क्षेत्र प्रदेश के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
इन सब की भागीदारी होगी और ग्राम किसान प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से निकाय चुनाव में किसान मोर्चा अपनी भूमिका का शंखनाद करेगा और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसानों के कल्याण के लिए जितना कुछ भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे पहली बार सरकार बनी थी तो किसान वही से लेकर के और आज किसान सम्मान निधि से लेकर के धान गेहूं के केंद्रों से लेकर के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने से लेकर के फसल बीमा योजना से लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के कल्याण की, वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई हैं। बाकी लोगों ने केवल किसानों को बरगलाने का, भड़काने का, गुमराह करने का काम किया है और बाकी उनका वोट लिया है। अगर किसानों के हित में कोई काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और किसान इस बात को बखूबी समझते भी हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के हम किसान मोर्चा के लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ इस निकाय चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और हमारा शत प्रतिशत विश्वास है कि हमारी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बल पर और हमारे कार्यकर्ताओं का जो अथक परिश्रम का संकल्प है उसके बल पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अब तक की जितनी भी विजय हुई है उससे बड़ी विजय, अभूतपूर्व विजय हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में और गोरखपुर क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हमारी ग्राम किसान समितियां राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बनी हैं। इन समितियों में एक संयोजक हैं और उनके साथ 10 सदस्य हैं। इस प्रकार से 11 किसानों की ग्राम किसान समिति है जो गोरखपुर क्षेत्र के 10,908 ग्राम पंचायतों में, शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में हमारी ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं और नगरीय क्षेत्र में भी, जैसे महानगर में ये कार्यक्रम हो रहा है, महानगर में भी सभी वार्डों में और सभी ग्राम इकाइयां जो यहाँ की हैं नगरीय क्षेत्र की, उसमें भी हमारी सभी जगह पर ग्राम किसान समितियां बनी हुई हैं।